दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी, टूटी फूटी आवाज में रेवसा सीता पर प्रेम बात पे के साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये सोमवार जनपद सीतापुर के थाना परिसर की तस्वीरें हैं, जहां पर तस्वीरों में स्पष्ट आप देख सकते हैं कि ये धरना प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो पुलिस के कार्यशैली से असंतुष्ट होकर के कार्रवाई से मुर्दाबाद के नारे लगाती नज़र आ रहे हैं। और ये विभिन्न हिंदू संगठन की तस्वीरें, बजरंग दल आदि, यहाँ पर स्पष्ट साबित करते हैं ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें कि पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। मामले पर प्रकाश डालते चले कि थान गांव के सरैया छतरना मजरा लड़ाहापुरवा निवासी रामेंद्र कुमार पुत्र, ये लड़ाहापुरवा निवासी हैं रामेंद्र कुमार, जो कि इनका आरोप है कि गत 24 फरवरी 2022 को एक किशोरी को शौच क्रिया के समय अगवा कर लिया गया था, और जिसके पक्ष में इन्होंने थाने में तहरीर दी थी थान गांव, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इन्होंने हिंदू संगठन बजरंग दल आदि जैसे लोगों का सहारा लिया और वो लग जाकर थाने में धरना प्रदर्शन किया। 2 तारीख में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब 7 मार्च को ये विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया, जहां पर पुलिस अस्पष्ट समझौता करते नजर आ रही है। और वहीं पर आपको बता दें कि पुलिस ने पीड़ित के मुताबिक, तहरीर के मुताबिक, आज पुलिस ने 8 मार्च 2022 को बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है, जिसमें आपको बता दें इकरार पुत्र मैकुलाल खां निवासी जबरपुरवा और काले खां उर्फ नसीम पुत्र सूबेदार खां जबरपुरवा निवासी और खलील खां पुत्र जलील जबरपुरवा, इन तीनों को धर दबोचा और 363 धारा 366/22 की धारा 363 और 366 में जेल भेजने की बड़ी कार्रवाई की है, थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया। जो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि पूरी बात खत्म हो जाती है। 24 तारीख को बताया जाता है कि परिवार 24 तारीख को रात 11 बजे 24 बीत गया 28 बीत गया 28 बीत गया 1 और 2 तारीख को दोपहर में आए, तब इन्होंने बताया कि हमारी लड़की 24 तारीख के अच्छा अच्छा ये मामला है। फिर आप आ तो 7 तारीख हो गई, फिर भी 5 दिन हो गए। सब बिंदुओं पे जाते दिन से आपने, मतलब जो 5 दिन हुए हैं अभी तक, इसमें आपने क्या क्या एक्शन लिया है, ये हमें दर्शकों को बताना चाहेंगे। आपके चार वीडियो बन रहे हैं, वीडियो बनना ठीक है, वीडियो के हम लोग जिसके बाद मोबाइल उसी पास भी बताइए। हर बिंदुओं पे दिन नामजद हो रहा, ऐसा हम जानते हैं। हम लोगों की कार्रवाई के बाद में जो भी कार्रवाई होने आज से शुरू हो रही है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। दिनों पे आज FIR हो जाएगी और उसके बाद 2 दिन के में आप उस बहन को बरामद करके दीजिएगा। हमारी बहन ये भी जानती है, चलिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लगा नहीं।